नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं आप कुंभ राशि वालों के लिए। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जिनका नाम स अक्षर से शुरू होता है, श अक्षर से शुरू होता है, साथ ही साथ ग अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उन सभी के लिए बहुत बहुत खुशखबरी, शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत ही अच्छे दिन अब कुंभ राशि वालों के आने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 17 जनवरी 2023 के दिन शनि आप ही की राशि कुंभ राशि में आकर बैठ गए और उसके बाद से कुछ खास अच्छा तो हुआ नहीं, लेकिन अब जब शनि आपकी राशि में बैठकर वक्री होने जा रहे हैं तो लाभ बढ़ जाएंगे। क्या होता है वक्री होना? जब कोई ग्रह आगे की ओर बढ़ता है तो उसको उसका गोचर कहा जाता है। आगे कैसे बढ़ते हैं? जैसे मेष राशि से वृषभ राशि की ओर जाते हैं, दूसरी तीसरी चौथी राशि तक जाते हैं, ऐसे करते करते इस राशि भ्रमण को करते करते 30 साल बाद अब कुंभ राशि आकर बैठ गए हैं कुंभ राशि में। और कुंभ राशि से आगे की ओर बढ़ रहे हैं यानी कि मीन राशि की ओर बढ़ रहे हैं। किन किन राशियों की साढ़े साथी चल रही है? साढ़े साथी चलती है उन राशियों की जो कि जहां शनि बैठे हैं यानी कि कुंभ राशि में बैठे हैं उससे एक राशि पहले की और एक राशि बाद की साढ़े साथी चलती है। जैसे कि मकर राशि की अंतिम चरण की इस टाइम साढ़े साथी चल रही है और कुंभ राशि जिसमें बैठे ही हैं शनि उसकी भी साढ़े साथी चल रही है, और आगे वाली राशि यानी कि मीन राशि उसकी भी साढ़े साथी अब चल रही है और 2030 तक मीन की शनि की साढ़े साथी चलती ही रहेगी। पर आज का वीडियो खुशखबरी का है, किसी तरह की खराब चीजों को छोड़ते हुए आज अच्छा क्या होने वाला है वह बताने जा रहे हैं कि जब आगे की तरफ बढ़ते हैं कोई भी ग्रह तो उसको बोला जाता है कि अपने गोचर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु जब पीछे की ओर चलने लगते हैं, जब कोई ग्रह आगे घूमते घूमते लगातार ऐसा प्रतीत होने लगता है कि पीछे की ओर चलने लग गया तो उसे बोलते हैं कि ग्रह वक्री हो गया और पीछे चलने को भी वक्री कहा जाता है। तो ऐसे में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 17 जून 2023 के दिन रात्रि 10:48 पर। जी हाँ, अब से लेकर यानी के जो डेट हमने बताई 17 जून से लेकर शनि वक्री रहेंगे कुंभ राशि में ही, और यह वक्री जो है वह रहेंगे 4 नवंबर तक, आने वाली 4 नवंबर दिवाली से 8 दिन पहले तक। और इस बीच शनि और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। जो लोग कर रहे हैं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम और कुंभ राशि है आपकी, स से आपका नाम है, श से आपका नाम है, ग से आपका नाम है या द से, तो फिर आपकी बन जाती है कुंभ राशि। और कुंभ राशि वालों को क्या विशेष लाभ मिलेंगे? जो कंप्यूटर से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, गहन किसी प्रकार का शोध कर रहे हैं, किसी प्रकार की लेबोरेटरी में काम करते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई भी आप रिसर्च का काम करते हैं तो विशेष लाभ आपके। साथ ही साथ लोहे से जुड़ा हुआ काम जिनके लिए फलता है, कुंभ राशि के वे लोग हैं, स नाम श नाम से आपका नाम होता है, तो आपके लिए भी विशेष लाभ आगे आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ किसी प्रकार का कबाड़ का काम यदि कर रहे हैं तो भी विशेष लाभ। यदि जूते इत्यादि का काम आप कर रहे हैं, लेदर से जुड़ा हुआ काम आप कर रहे हैं तो आपके लिए भी विशेष लाभ है। जी हाँ, वक्री होने से क्या होता है? जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और शनिदेव तो वैसे ही आप जानते हैं उनकी दृष्टि ही काफी है किसी भी काम को बिगाड़ देने के लिए, और ऐसे ही उनकी कृपा यदि हो जाए तो किसी भी काम को बिगड़ने वाले काम को भी बनाकर रख देते हैं। तो यह फायदा अब कुंभ राशि वालों को मिलने जा रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। यह जाना आपने कि आज किस प्रकार की शुभकामनाएं, किस प्रकार से अच्छे फल शनिदेव अब आपको देने जा रहे हैं, ऐसा आपके साथ भी हो जाए और आप चाहते हैं कि हो जाए तो जरूर शनिदेव जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। लगातार इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल भविष्य नक्षत्र के लिए। धन्यवाद। जय शनिदेव।